नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में टेस्टी हेल्दी मिक्स वेज सूप बनाने जा रहे हैं। सूप में लगने वाली सामग्री है, एक गाजर ले लिया है, छिलके धो के कद्दूकस कर लिया है, एक छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, एक छोटी शिमला मिर्च धो के बारीक काट लिया है, एक छोटी कटोरी मटर के दाने इनको भी धो लिया है, छह फलियां फ्रांस बीन्स की उनको भी धो के बारीक काट लिया है, एक बड़ा चम्मच मक्खन और सफेद नमक स्वाद अनुसार, काला नमक भी स्वाद अनुसार, जितना हम सफेद नमक लेंगे उतना ही काला नमक लेंगे, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और चार कलियां लहसुन की जिसको हमने कूट लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, दो चम्मच नींबू के रस, एक कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। तो हम बनाना शुरू करेंगे सूप को। कढ़ाई रख दी है हमने गैस ऑन करके, अब उसमें हमने मक्खन डाल लेना है। मक्खन को पिघलने तक हमने गरम करेंगे, आंच तेज रखेंगे। मक्खन मेल्ट हो चुका है और गरम भी हो गया है। अब इसमें हमने कुटी हुई लहसुन डाल देंगे, बारीक कटा प्याज, और इसको हमने लगातार चलाते हुए तेज आंच में एक मिनट तक भूनना है। लगातार चलाते हुए एक मिनट हो गया है। अब इसमें हमने सब्जियां डाल देनी है, कॉर्न बीन्स, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर। तेज आंच में हमने इसको लगभग दो मिनट तक पकाना है। लगातार चलाते हुए तेज आंच में दो मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने पानी डाल देंगे, आधा लीटर पानी डालेंगे हम। नमक भी डाल देंगे, काला नमक, सफेद नमक, आंच को मध्यम कर देंगे। ढककर हमने तब तक पकाना है जब तक कि सब्जियां थोड़ी नरम नहीं हो जाती। सब्जी गल चुकी है, अब इसमें हमने कॉर्नफ्लावर का घोल डालना है। तो उसके लिए हम घोल बनाएंगे। तो उसके लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, धीरे धीरे पानी डालते हुए हमने उसको घोल बनाना है। घोल बन के तैयार है। इस घोल को हमने धीरे धीरे सूप में डाल देंगे, हिलाते हुए रहना है, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। आंच को कम करेंगे और थोड़ा पानी और डालेंगे। उबाला आ चुका है, गैस बंद कर देंगे और इसमें हमने काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। और थोड़ी देर के बाद हमने नींबू का रस भी डाल देंगे। अब हमने सूप को सर्व करेंगे। सूप को आप गाढ़ा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। टेस्टी हेल्दी मिक्स वेज सूप बनके तैयार है। इसे आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, और भी टेस्टी लगता है सूप।
और इसे आप घर पे जरूर बनाएं, आपको जरूर पसंद आएगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।